नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस मामले में सीबीआई जांच कराने के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचार के मामले में राहत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। एससी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ही कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले में सीबीआई जांच कराने के आदेश को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा एक है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूंगा हाई कोर्ट के, जिन्होंने बिना सुने, बिना किसी नोटिस के। और तो आपको बता दें, पौड़ी से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटर दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है उन्हें अब राहत मिली है। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूत साव को लेकर जोशीपीठ की जनता सड़कों पर उतरी है। बुधवार को आक्रोशित लोगों ने तपोवन टैक्सी स्टैंड से होकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकाला है और मुख्यमंत्री, प्रशासन, प्रधानमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि जल विद्युत परियोजना, NTCP और वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार बुध साव होने के कारण लोगों के मकानों और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरार आ गई है और जिससे लोग डर और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लोग अब रात के समय कड़कड़ाती ठंड में ही सड़क पर ही रात बिताने के लिए मजबूर है। चमोली से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर जनता जो है परेशान नजर आ रही है। हो चुका है, सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों NTPC का दफ्तर बंद रहेगा, NTPC का घेराव होगा। तो चमोली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सड़कों पर जनता नजर आ रही है और लोगों में आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत SSP हरिद्वार के दिशा निर्देश में शहर और देहात के ही 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पर एक छापेमारी कर कार्रवाई की गई है और मेडिकल स्टोर्स की आड़ में ही नशे की टैबलेट्स और इंजेक्शन का नियम विरुद्ध विक्रय बिना वैध लाइसेंस और बी फार्मा डिग्री के बिना लाइसेंस धारक द्वारा दुकान पर ही अन्य व्यक्ति द्वारा दवाएं जो है विक्रित की जाने की शिकायत मिली थी और जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में दुकानदार मेडिकल स्टोर पर ही दुकानें जो खुली छोड़कर फरार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि SSP अजय सिंह के तल्ख तेवर से नशीली दवाओं का मुनाफा जो था वो लूट रहे हैं और मेडिकल स्टोर संचालक अब खौफ के साए में नजर आ रहे हैं।
मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिस पर भी NDPS के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूंकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जहां पर इतने सारे मेडिकल सेंटर्स मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध या ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर चेकिंग करके जो उनके नियम है, खासकर उस नियमों में लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, दूसरा बी फार्मा या जो भी वहाँ आदमी बैठा हुआ है जो बेच रहा है दवाओं को वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, सारी शर्तें हैं, और जिसके उल्लंघन करके कहीं ना कहीं गलत रूप से प्रतिबंधित दवाओं को जो है छात्रों युवाओं को दिया जा रहा था। इस सूचना पर जब हमने गोपनीय सारी जानकारी करी तो संयुक्त टीम बनाकर सिटी और देहात में करीब 450 से ऊपर जो है मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली, कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है और मेडिकल स्टोर संचालक पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक जो है उनमें हड़कंप मचा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 11 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने मुनिकरेती से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस बालिका को मंगलोर ले गई और जहां पुलिस ने बालिका को परिजनों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बालिका परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी और मंगलोर इंस्पेक्टर मनोज मैनवाल ने इसकी पुष्टि की है। बता दें आपको कि मंगलोर निवासी एक युवक ने अपनी 11 वर्षीय बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की जानकारी पुलिस को दी और ये सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जनपद हरिद्वार के अंदर कुछ दिनों से बच्चों की चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए SSP हरिद्वार अजय सिंह ने तत्काल कई टीमों का गठन कर मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए और CCTV कैमरा में बालिका रुड़की तक पैदल पहुंचकर ऋषिकेश की बस में बैठती हुई दिखाई दी और इसी क्लू के आधार पर ही मंगलोर पुलिस ऋषिकेश पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से बालिका को मुनिकरेती से सकुशल बरामद कर लिया। बालिका के वापस मिलने पर परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और उन्होंने मंगलोर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें मंगलोर से लापता नाबालिग मुनि की रेती से बरामद हुई है। बताया जा रहा है 11 वर्षीय बालिका थी जो लापता बताई जा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बालिका जो थी वो नाराज होकर घर से चली गई थी। फिलहाल बालिका अपने परिजनों के साथ मौजूद है। दुनिया में फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय में बूस्टर डोज लगाने पहुंच रहे लोगों को निराश वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कोशील्ड उपलब्ध नहीं है और सरकारी अस्पताल के CMS प्रदीप डोला ने बताया है, दावा किया है उन्होंने कि कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार डिमांड सरकार को भेजी जा रही है, मगर कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पताल को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। इस वजह से कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगाने आने वाले लोग बेरंग लौट रहे हैं। मैं यहाँ पर जो माता जी को लेके आया था और सुपर डोज लगाने के लिए, और इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जो है कोविशील्ड लगी है पहले से, तो वो भी कोविशील्ड ही लगेगी, पर इनके पास कोवैक्सीन अवेलेबल है। और हम सोच रहे थे कि अगर इनसे हमने बात करी थी तो इन्होंने कहा था हमारे पास कोविशील्ड है नहीं, तो हमने कहा था कि अब जो है जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से तो अब जो है अवेलेबल करानी चाहिए सरकार को, पर यहाँ पर तो सरकारी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, तो इतने सारे जो लोग हैं उनको जो कोरोना से कैसे बचाया जाएगा, तो सरकार इस बारे में जरा थोड़ा समाधान ले। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि बिना बूस्टर डोज के ही जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं और इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
काशगंज में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बता दें आपको कि ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए हैं। सराफा कमेटी और मित्रगण ने कंबल वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया है और एसडीएम ऋतु सिरोही ने जरूरतमंद लोगों को कंबल देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जरूरतमंद पुरुष और महिलाओं को सैकड़ों कंबल बांटे गए हैं। श्रावस्ती के नवीन मॉडल थाना श्रावस्ती के ही गोपालपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में ही फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हरदोई अराजक तत्वों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगाई है। बताया जा रहा है कि भीषण आग में लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर और बैटरी और इसके साथ ही मोबाइल जलकर खाक हो गए हैं और आग से दुकानदार को लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने घटना की तहरीर कोतवाली में देकर न्याय की गुहार लगाई है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गाँव रामपुर बाजार में मंसूरपुर निवासी ही मुंशी की दुकान में यह आग लगने की खबर सामने आई है। वहीं आसपास के लोगों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। कोतवाल शेषनाथ सिंह ने बताया है कि मामले की हो रही है जांच और इसके साथ ही आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि आग की घटना सामने आई है, इसमें भीषण आग में कितना का नुकसान हुआ है? जी बताता हूँ, ये जो पूरी घटना है ये मल्लामा थाना कोतवाली क्षेत्र की है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, उसमें भीषण आग लग गई अज्ञात कारणों के चलते और उसमें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वही पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है। जी आसिफ, नुकसान इसमें बताया जा रहा है ज्यादा हुआ है और इसके साथ ही किसी के जनहानि होने की भी कोई खबर सामने आई है अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई जनहानि हुई हो। हालांकि उस दुकान में जो लैपटॉप थे, प्रिंटर थे, इन्वर्टर थे, बैटरीज थी, एंड्रॉयड मोबाइल फोन थे, ये सब जलकर खाक हो गए हैं। वहीं मोहल्ले वालों ने जो है उसको आग को बुझाया और उसके बाद फिर जो है कोतवाली पहुंचकर थाने पर तहरीर दी। जी आसिफ, जो दमकल विभाग मौके पर पहुंच पाया या नहीं? नहीं, दमकल विभाग को हालांकि सूचना दी गई लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, तो आसपास के लोगों ने ही आग पर काबू पाया और उसके बाद जो है। आसिफ, अभी तक तो कोई कारण साफ हो पाया है कि किस कारण ये भीषण आग लगी थी? नहीं कुछ, हालांकि उनका आरोप है कि अराजक तत्वों ने आग लगाई है लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है और जैसे ही कुछ होगा तो पुलिस को तहरीर दी जा चुकी है और जो भी पुलिस के स्तर पर तक कार्रवाई की जा रही है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहाँ पर जानकारी सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ये भीषण आग लग गई है और आग में कई चीजें जलकर राख भी हो गई हैं, ये भी मामला सामने आया है। और हरदोई से खबर है जहां पर भीषण आग लगने के कारण कई चीजों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन ये भी जानकारी सामने आई है कि दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़क मशक्कत के बाद ही ये भीषण आग पर काबू पाया। श्रावस्ती के थाना सोनवा के लक्ष्मण नगर में अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई और आग लगने से आसपास के लोग के घरों में बाहर निकल आए और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गैस सिलेंडर कि आग लगने की खबर सामने आई है, गैस सिलेंडर में आग लगने की जानकारी सामने आई है। अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में यह आग लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी से बुझाकर किसी तरह आग पर काबू पाया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा हुआ था, जिसके बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि थाना सोनवा के लक्ष्मण नगर में अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि अगर आग पर काबू नहीं पाते तो भारी नुकसान हो सकता था। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। नगर का मामला है जहां पर गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, जिसको नया सिलेंडर लगाया गया। जैसे ही नया सिलेंडर लगाया उसे उसमें अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि सिलेंडर देखते देखते आग ने भारी रुख अपना लिया, जिससे लोग हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सभी अपने घरों से बाहर निकल पड़े। उसी के साथ लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके दमकल गाड़ियां दो गाड़ियां लगातार पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद सिलेंडर की आग बुझ पाई। जी सूर्य, अभी तक आग लगने का कोई कारण साफ हो पाया है, किस कारण यह भीषण आग लगी थी? नहीं, बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर एक खत्म हो गया था, दूसरा सिलेंडर लगाया गया था, उसी की वजह से कहीं से उसे टचिंग हुई, जिसकी वजह से वो चिंगारी आग का रुख बना लिया, जिसकी वजह से सिलेंडर में आग लगी। हालांकि दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया, जिससे बड़ी जनहानि या बड़ी घटना होने से बाल-बाल लोग बचे। जी सूर्य, जिस तरह से बताया जा रहा है कि दमकल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे, वहीं स्थानीय लोगों की मदद से भी इस पर आग पर काबू पाया गया है, तो इसमें कोई भारी नुकसान होने की अभी तक कोई खबर सामने आई है? और वहीं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? नहीं, जैसे सिलेंडर में आग लगी वैसे ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके तुरंत मौके के बाद दमकल विभाग भी मौके पर पहुंची, स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर गई। लोगों के प्रयास की वजह से सिलेंडर को घर के बाहर निकाल लिया गया, जिसके उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिससे कोई जनहानि की खबर सामने नहीं निकल कर आई है। जी सूर्य, अभी तक कुछ समय पता चल पाया है कि कितने समय में ये भीषण आग लगी थी? रात का समय था और स्थानीय लोग सो रहे थे, या फिर ये सुबह के समय आग लगी? नहीं, सुबह सुबह ही ये मामला हुआ है। सुबह सुबह जो घर पे सिलेंडर रखा हुआ था वो खत्म हो गया था, तो दूसरा सिलेंडर लाकर उसमें बचने लगाने लगा, जिसकी वजह से अज्ञात कारणों से ये आग लगी। आग लगने का कोई पुख्ता कारण पता नहीं चल पाया कि किस वजह से सिलेंडर में आग लगी, लेकिन यही बताया जा रहा है कि सिलेंडर बदल रहे थे उसी दौरान ये आग लगी सिलेंडर में, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बच गया और आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो अपने अपने घरों से निकल के बाहर निकले, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से भारी कोई जनहानि के नुकसान होने का कोई खबर नहीं सामने निकल कर आई है। जी सूर्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में आग लगने की खबर सामने आई। बता दें आपको कि दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय में ये भीषण आग लगी थी, लेकिन फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां अवैध प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र के सौरभ नर्सिंग होम का है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच का दावा कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहरियाबाद क्षेत्र के हाजीपुर गाँव में अवैध रूप से संचालित सौरभ नर्सिंग होम में एक महिला का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई और मृत महिला के सीने में चोट के निशान भी पाए गए हैं। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है और इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है और परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ स्थानीय थाने और जिला प्रशासन से शिकायत की है, जबकि स्वास्थ्य विभाग मामले की जो जाँच है उसके लिए दम भरता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है बहरियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है और जब ग्रामीणों को पता चला तो आमन सामन में जो है वहां पहुंचे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टर फरार हो गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर इस तरह का हादसा गाजीपुर में ये कई बार देखने को मिल चुका है और यहाँ के जो अधिकारी हैं
अब वो भी जो है इस पर संज्ञान लेने में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। जिस तरह से आप देख रही हैं कि महिला की मौत हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल मेहताब, ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर है वो फर्जी बताया गया है इसमें, तो इस पूरे मामले पर थोड़ा विस्तार से बताइए। आपको बता दें कि गाजीपुर में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे अवैध हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे नर्सिंग होम है जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, अधिकारियों की मिली भगत से चलाया जा रहा है। उनके पास ना कोई प्रमाण है, ना उनके पास कोई डिग्री है, वो फर्जी डिग्री होल्डर है, और उसके बावजूद भी जो है ये धल्ले से जो है ये जो डॉक्टर है जो अपना छोड़ा छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, अब चलाते के समय जो है महिलाओं की मौत हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल ये निशान खड़ा होता है क्या कि आखिर में इसकी किसकी लापरवाही है। बिल्कुल मेहताब, अभी क्या कार्रवाई की गई है फर्जी डॉक्टर पे? आपको बता दें कि वहाँ के जो समुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है जाँच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको पकड़ा नहीं जाएगा। जी मेहताब, परिजनों का, मृतक के जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनका यही कहना है कि हम जो है डॉक्टर को लाए थे यहाँ पर दिखाने के लिए, अगर उनको डॉक्टरी नहीं आती थी, नहीं उनको डॉक्टरी करना आता था तो उनको रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन वो खुद वो कहते हैं कि हम खुद बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं और बुला करके कराते हैं, लेकिन वो डॉक्टर खुद ही सब करता है, ट्रीटमेंट करता है, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे मतलब कुछ भी इस तरह का जो बात हो, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, वो डॉक्टर खुद अपने हाथों से करता था, जिसके चलते एक महिला की जो है जान चली गई। जी मेहताब, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आई है कि अवैध प्राइवेट अस्पताल में ये काम किया गया है, अस्पताल कब से चल रहा था इस बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है अभी तक? जी बता दें कि यह हॉस्पिटल जो है काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी अधिकारी की इस पर निगाह नहीं पड़ रही थी और इस पे जो हीरा हवाली हो रही थी, और जो है जब ये जुड़ी तरह का जो यहाँ पे जो मौत हो जाती है तब यहाँ के अधिकारी जागते हैं और जागने के बाद तब वो जो है तत्काल कार्रवाई की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल निशान है कि आखिर गाजीपुर में इस तरह के जो है फर्जी नर्सिंग होम से चल रहे हैं धड़ल्ले से, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी? जी मेहताब, अब परिजनों का भी इस पर मांग को लेकर अपने अड़े हुए हैं, तो इसको लेकर अभी तक कुछ प्रशासन की ओर से बयानबाजी सामने आ पाई है? जी अभी तक तो कोई प्रशासन मतलब चार अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, केवल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और वहां पर जो है उसको सीज कर दिया गया है उस हॉस्पिटल को, और डॉक्टर अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिर इस तरह का मामला जो है आज देखने को आता है तो इस तरह के नर्सिंग होम, इस तरह के हॉस्पिटल पे कब जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको बंद कराया जाएगा। जी मेहताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको गाजीपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया। मामला बहरिया बाद थाना क्षेत्र के सौरभ नर्सिंग होम का बताया गया, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच का दावा कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहरियाबाद क्षेत्र के ही हाजीपुर गांव में अवैध रूप से संचालित सौरभ नर्सिंग होम में एक महिला का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई और मृत महिला के सीने में चोट के भी निशान पाए गए हैं और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला की लापरवाही से ये महिला की मौत हुई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें डॉक्टर की बड़ी लापरवाही रही है जिसके बाद महिला की मौत हुई है और इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने रोष भी प्रकट करना शुरू कर दिया है। परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ स्थानीय थाने और जिला प्रशासन से शिकायत भी कर दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच का दम भरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आपको गाजीपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर जानकारी सामने आई है कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर के कारण ये जो मौत हुई है महिला की, ये जानकारी सामने आई है और ये भी बात सामने आई है कि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है जिसके बाद वो इलाज कर रहा था जिससे महिला की मौत हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग जो है मामले की जाँच का दावा करता हुआ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और यह भी जानकारी बता दें आपको कि बहरियाबाद क्षेत्र के ही हाजीपुर गांव में अवैध रूप से यह संचालित था नर्सिंग होम। बताया जा रहा है कि सौरभ नर्सिंग होम एक इलाज जो था इसमें महिला का इलाज किया जा रहा था।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।